तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर एक जो है एनिमेशन वाली वेब सीरीज आई है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, और 10 एपिसोड इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हिंदी में अवेलेबल है, काम की बात पहले बता दिए। अब बात करने वाले हैं दरअसल इस वेब सीरीज की बेसिक कहानी क्या है और ये वेब सीरीज कैसी है, और मैंने थंबनेल पर जो बात लिख रखी कि उसमें इसमें मतलब इस वेब सीरीज में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। तो देखो सही से बात है, अगर इसकी बेसिक स्टोरी की बात करो तो ये जो है हमारी ह्यूमंस रिसोर्सेज नाम की जो वेब सीरीज है वो ह्यूमंस के अलग अलग इमोशन को ही एक्सप्लेन करने के काम करती है। मतलब इसमें ह्यूमन के जो ह्यूमन हमें इंसानों के जो इमोशंस होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि प्रेम, तुम्हारा दुख सुख और क्या क्या होते हैं, और सेक्स वगैरह, ऑर्गेजम, हार्मोन, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये कहानी हमारी मेनली फोकस करती है एमे नाम की प्रेमाणु पर। अब प्रेमाणु बोला है, पता नहीं मैंने सही बोला है या नहीं, दरअसल एक तरह से वो लव वाली फेरी टेल है या बटरफ्लाई है, पता नहीं क्या है वो, पता नहीं मुझे, लेकिन जो एक तरह से आप ये समझ सकते हो इंसानों का एक लव वाला इमोशन है जो कि बैका के लिए काम कर रही है। फिलहाल एक तरह का डिपार्टमेंट दिखाया गया जिसमें हर तरह के लोग दिखाए गए, मतलब हर तरह का एनिमेशन में हमें इमोशन दिखाया गया, जिसमें से एक जो पत्थर दिल वाले होते हैं स्टैक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉजिक रो। दूसरे इसमें हार्मोन्स वाले मॉन्स्टर भी देखने के लिए मिलते हैं जिनका काम सिर्फ हार्मोन्स जगाना होता है, मतलब समझ जाओ, समझ गए। और तुम्हारा इसमें गमोरा जैसी भी लड़की देखने के लिए मिलती है जो शायद सी हल्के भी हो सकती है, लेकिन उसका काम ब्रेन वाला होता है। दरअसल वो ब्रेन वाला मतलब एक तरह की दिल की नहीं सुनवाती, वो दिमाग की सुनवाती है। मिला के आप लोग समझ गए होंगे कि हर तरह के इमोशन वाले इसमें हमें मॉन्स्टर या एनिमेशन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मेनली कहानी फोकस करती है एमी नाम की जो है प्रेमाणु मॉन्स्टर पे, जिसका काम है प्रेम जगाना या दूसरों को खुशी फील कराना। यहाँ पे बैका नाम की एक लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसका बेबी डिलीवर होता है, तो वो थोड़ी दुखी होती है बेबी की वजह से, तो उसका काम होता है उसे खुश करना, उसे उस डिप्रेशन से दूर करना। लेकिन जो बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं, हमारी जो एमी होती है वो नहीं कर पाती है, तो धीरे धीरे सीख रही होती है। इस तरीके से हमें ये कहानी देखने के लिए मिलती है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा सेट ये तैयार किया गया था वो काफी ही ज्यादा बढ़िया था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा इमोशन छोड़ा होगा जो हम इंसान फील नहीं करते हैं। सारे इमोशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखो सीधी सी बात, फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे 18 प्लस वाले मॉन्स्टर हैं जो एक तरह से हार्मोन मॉन्स्टर है, वो कुछ ज्यादा ही अलग लेवल के। दूसरा, गालियां तो इसमें भर भर के मिलेंगी। देखो गालियों वाले डायलॉग तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन एक बैका का डायलॉग होता है जब डॉक्टर ने उसे बताती है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो शायद एडवोकेट का काम करती है। बैका तो वो बोलती है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, उस बच्चे को चाहे पाद मार के मैं बाहर निकालूंगी, जरूर मुझे अपने काम पे जाने को। इस तरीके का डायलॉग मेरे को देखने के लिए मिला, तो मैं लिटरली कहता हूँ मतलब डायलॉग बहुत ज़्यादा हैवी है और साथ में 18 प्लस भी है, तो मैं कह रहा हूँ कानों में डील लगा के देखना, क्योंकि एक भी मैं सिंगल डायलॉग ऐसा होगा जिसमें आपको जो है ये नॉन 18 प्लस या अब्यूजिंग वाले डायलॉग या वर्ड देखने के लिए ना ही मिले। हर डायलॉग में कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ होगा। मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब गालियों के बीच में थोड़े थोड़े डायलॉग भी देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब गालियाँ ज़्यादा हैं डायलॉग कम है। चलो बेसिक स्टोरी तो आप समझ गए, अब बात करते हैं क्या ये सीरीज देखने लायक है या नहीं। देखो अगर आप लोग एनिमेशन वाली वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो आप इस सीरीज को जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, 18 प्लस है, तो हाँ आप देख सकते हो। अगर आप जो है एक यूनिक हटके कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी देखना चाहते हो, और जो लोग कहते हैं कि एनिमेशन बच्चों के लिए होती है, तो एक बार इस वाली सीरीज को देखो, पता चल जाएगी बच्चों के लिए होती है या नहीं। और जैसे कि मैंने बताया फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, तो बिल्कुल मत देखना सिंगल, अकेले, बिल्कुल अकेले देखना। लेकिन अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके देखने या ना देखने की। तो देखो इसमें देखने वाली बातें काफ़ी सारी है, जैसे कि हमें इमोशन के बारे में देखने के लिए मिलता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने की नॉलेज करती है। मतलब कैसे आप, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूँ, अगर आप मान के चलो कि हमारे जो फैसले होते हैं, एक इसमें स्टोरी हमें और देखने के लिए मिलती है, मैं इस टाइम लड़की का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो जो है पढ़ाई के लिए मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देते, मतलब इस टाइप से कुछ कहानी होती है, मतलब वो पढ़ाई को चुने या गर्लफ्रेंड को चुने, इस टाइप का फैसला जो होता है। तो वहाँ पर दो हमें चीज़ देखने के लिए मिलती है, एक तो हमारी एक वही होती है दिल वाली जो सुनाती है फेरी टेल की प्रेमाणु, और दूसरी एक गमोरा जैसी होती है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जो कि ब्रेन मतलब दिल की नहीं दिमाग की सुनवाती है। तो उनके बीच में जो बहस चलती है वो चीज़ देख के हमें काफ़ी बढ़िया लगता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जो हमारे अंदर मन चलती रहती हैं, तो आप वो चीज़ यहाँ देख सकते हो। जैसे कि इसमें हमारे जो है एक तरह के जो पत्थर दिल, इसमें लेटे है कैटे है, मैं नाम फिर भूल गया, मतलब एक लॉजिक रोग दिखाया गया है। तो लॉजिक वाली जो बात होती है वो पत्थर दिल ही मानते हैं, कि जो लॉजिक की बात करता है वो उसका दिल पत्थर का होता है। तो उस तरह से उसका जो एनिमेशन प्रेजेंट किया गया है, हमें जो उनके प्रेजेंटेशन या एक तरह से रेफरेंस जो है, जो भी अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है, वो काफी ज्यादा बढ़िया होती है। जैसे कि जो प्रेमाणु होती है वो
तितलियों की तरह होते हैं, जो कि हार्मोन्स वाले मॉन्स्टर होते हैं, वो थोड़े ऐसे होते हैं, नंगे नंगे बाल बाल होते हैं चारों तरफ, और लॉजिस्टिक वाला पत्थर की तरह है। गमोरा जो होती है वो गमोरा वाली ब्रेन वाली, वो हरे हरे रंग की होती है, थोड़ी बैटमैन की तरह है। और ज़रूरतमंद जो होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं लिप जीबे से, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं देखो सबके नाम नहीं जानता, मैं इनके नाम रटने नहीं बैठा था, इसलिए मुझे इनके नाम नहीं पता कि किसको क्या कहते हैं। लेकिन बात करें, देखो ये कॉमेडी एनिमेशन ड्रामा जोनरा की वेब सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर बात करें इसके ना देखने वाले पॉइंट की, तो हाँ थोड़ी थोड़ी कहीं पर आपको ये बोर फील होने लगती है, लेकिन पहला एपिसोड ही तो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है, आप पहले एपिसोड से हुक हो जाओगे। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे चलती जाएगी थोड़ी सी डाउन होती चली जाती है, ये मुझे फील हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है देख सकते हो, आधे आधे घंटे के एपिसोड जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।